गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू एवरीवन एंड आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सो एज यूजुअल रोज़ की जैसे सुबह के 11 बज चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द मेरा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रहता है। तो चलिए मैं आपको आज का सबसे पहले दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। एक्चुअली हम सब एक कैंट एरिया में रहते हैं तो इस वजह से यहाँ पे जो है फेंसिंग वगैरह ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो हम सबको ये जो है गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलाट हो रखे हैं तो हम इसमें रहते हैं। और यहाँ का एक्चुअली मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा ही टाइप में रहता है, मतलब गर्मी यहाँ कम होती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर पहन रखा है, हालाँकि अदर नॉर्थ एरिया में जो है दिल्ली एंड ऑल यूपी वगैरह में गर्मी तेज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी मौसम उतना गर्म नहीं है। ठीक है यहाँ पे मौसम, तो अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो इस वजह से जो है अभी स्वेटर वगैरह थोड़ा हम पहन ही रहे हैं, अभी एकदम से नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये मौसम हमको भी इफ़ेक्ट कर दे। और यहाँ पर भी जो है देखिए धूप छाया वाला सीन हो रखा है, धूप आ रही है कभी छाया हो जा रही है। अभी मैं आपको जब बाहर दिखा रही थी तो छाया थी, अभी देखिए धूप आ चुकी है, तो वैसे ही धूप छाया का सीन हो रखा है। चले गए हैं ऑफिस, मेरी बेटी स्कूल चली गई है और किचन का मेरा काम अभी करना बाकी है क्योंकि किचन में मेरा बहुत काम रहता है। अभी पूरा किचन फैला पड़ा है मेरा, बर्तन भी धोने हैं। और बेटा जो अपने कार्टून में डूबा हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ी देर में कार्टून चलाती हूँ ना तो ये इसमें बिज़ी हो जाता है और मैं अपना काम तब तक निपटा लेती हूँ। सो ये है गोलू जी, गोलू हाय। सो अभी मैं थोड़ा किचन अपना क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो हो ही चुका ऑलमोस्ट सारा काम। थोड़ा दरवाज़ा बंद करती हूँ ना, नहीं तो ये गोलू जो है बाहर चले जाता है। सो एक्चुअली मैं ये दो जो हैं डेकोरेटिव फ्लावर्स लेके आई थी, एक इस डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए और एक यहाँ रखने के लिए इस टेबल पे, बट यहाँ से जो है वो बार बार जो है मेरा बेटा उठा दे रहा है और सब मैं ये इसका टेबल कवर सब गिरा दे रहा है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर ही रख दिए। फिर भी इसका जो टेबल कवर है वो हिला देता है बार बार, देखिए कैसा हो रखा है, खींचता है उनको खेलने के लिए। चलिए मैं अपने किचन का हाल सुधार लेती हूँ, बर्तन बहुत पड़े इनको वॉश कर लेती हूँ और ये कुकिंग टॉप वगैरह सब मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सो मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन करके रख दिया है और अभी बर्तन धोने बाकी हैं। देखिए मेथी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इनको अभी रफली वॉश करके रखा हुआ है, डीप वॉश हम उसको बनाते वक्त करेंगे, तो उसको ऐसे ही रखा हुआ, पानी छिड़कते रहते ताकि सूखे ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मौसम दिखाया था कैसा है यहाँ का, और अभी देखिए यहाँ का मौसम कैसा हो गया है, आप ही देखिए। ये देखिए अभी अभी यहाँ कितनी तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। ये मेरा काम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, काम जो है फिनिश हो चुका है और थोड़ी देर बाद मैं जो है लंच की तैयारी करूँगी। लंच में आज रोटी और सब्जी खाएँगे, चावल खाने का मूड नहीं है, तो क्योंकि 1:30-2 बजे तक मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं लंच के लिए और मेरी बेटी की भी छुट्टी हो जाती है तो वो उसको लेके ही आते हैं, जिस दिन उनको टाइम नहीं लगता तो फिर मैं लेने जाती हूँ। गाइस तो हमने लंच कर लिया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और कपड़े भी मैंने उठा लिए यहाँ से सारे, गोलू बाहर ही है। मुँह में क्या निकाला, गंदी बात। हाय हाय, चलो आ जाओ अंदर। हाय कैसे हो,
कैसे हो आप सब? कम हाय हाय कम हाय हाय। देखिए मैंने ऐसे फैला के रखे हैं क्योंकि थोड़े बहुत कम है, लेकिन बाहर बारिश की बूंदे पड़नी लग गई थी इसलिए मैंने सारे कपड़े उठा दिए हैं। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और बच्चे और हम सब खा के थोड़ा आराम कर रहे थे। बच्चे भी स्टिल सो ही रहे हैं। सो एक्चुअली मेरी बेटी को ना मॉरल साइंस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मिला है चार्ट बनाने के लिए पेट एनिमल्स के ऊपर, तो मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मटेरियल जो है निकाल के रख दिया है, कुछ पेपर्स कलर्स एंड ग्लू स्टिक एंड ऑल। सो मैं इसको बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।
फाइनली गाइस ये मॉरल साइंस का चार्ट पेपर मैंने अपनी बेटी का बना दिया है और आप भी देखिए कैसा लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से बनाया है पेट एनिमल्स के ऊपर, डॉग कैट रैबिट एंड फिश। सो ये है इसका फाइनल लुक। करने जा रही हूँ डिनर की तैयारी और फटाफट से डिनर खाते हैं को बाद में देखती टाइम लगता तो मिलते हैं। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसे ही रहा और आज ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज का थोड़ा टाइम जो है मेरा ये बेटी की चार्ट बनाने में ही रह गया और थोड़ा घर के कामों में रह गया। सो आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं एड करती हूँ और अगर आपको पसंद आए तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।